हेलो एवरीवन एसिड एसिड्स एंड बेसिस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मोस्टली हमने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जो एसिड एंड बेस के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं ठीक है ठीके? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं ठीक है ठीके? ये डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड बेस रिएक्शंस कैसे होती हैं अकॉर्डिंग टू आर कन्सेप्ट ठीक है concepts, जो हमने एसिड बेस के चैप्टर एसिड बेस के चैप्टर में कन्सेप्ट पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन किस तरह से होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेविस कन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन देखते हैं तो देखो जैसे ये है ए से मैंने एसिड को डिनोट किया है बी से बेस को ठीक है लेविस एसिड कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे मीन्स उनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लेविस बेस के पास क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेस में होते हैं जो कि वो लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ठीक है और इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे इट मीनस जो बेस है लेविस बेस है उसके पास फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे ठीक है हम इनको बोल सकते हैं लेविस एसिड के पास क्या है वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं एंड लेविस बेस के पास फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपस में ये इंट्रैक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ठीक है इस तरह से अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो ए बी कॉम्प्लेक्स बन रहा है एसिड बेस रिएक्शन हुई और ये जो कॉम्प्लेक्स बना क्या ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हैं ठीक है थीके? तो ऐसे सारे रिएक्शंस में जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो सारे स्टेबल नहीं होंगे कुछ की स्टेबिलिटी कम होगी कुछ बिल्कुल अनस्टेबल होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होंगे तो फर्दर साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि जो लेविस बेस या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि लेगेंस जो होते हैं उनकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं कि वो कौन से मेटल आयन के साथ ज़्यादा स्ट्रोंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ठीक है थीके? इसी प्रेफरेंस ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जो है मेटल आयंस को टू क्लासेस में डिवाइड किया है ये हमने पहले भी स्टडी किया है फ़िफ्थ सेमेस्टर में जो हमने चैप्टर किया था थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ठीक है सेम वैसे ही देखो मेटल लाइन को हमने टू क्लासेस में डिवाइड कर दिया क्लास ए मेटल आइंस क्लास बी मेटल लाइंस क्लास ए मेटल लाइंस में हमने एल्कली मेटल्स एल्केन अर्थ मेटल्स लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे टाइटेनियम प्लस फोर क्रोमियम प्लस थ्री आयरन प्लस थ्री ये जो है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन प्लस आयन ये भी हम क्लास ए मेटल आइंस में ही इंक्लूड करते हैं क्लास बी मेटल आइंस में जो हमारी हैवियर ट्रांजिशन मेटल्स हैं जैसे ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड एंड थर्ड के मेटल आइंस जैसे प्लेटियम प्लस टू है प्लेटिनम प्लस टू मर्कली प्लस टू ठीक है और इसके अलावा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल आइंस भी क्लास बी मेटल आइंस में हो सकती हैं बट उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है ऐसे ही हमने को भी उनके प्रेफरेंस ऑफ बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टू क्लासेस में डिवाइड किया क्लास ए एंड क्लास बी लेगन सेम इसी तरह से क्लास ए लीगेंट्स में हमने वो मोलिक्यूल्स या आयन या फिर सिंपली कह लो उन लेगेंट्स को रखा जिनमें डोनर एटम जो है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन या क्लोरिन हो और क्लास बी लेगेंट्स में हमने उन लीगेंट्स को कंसीडर किया जिनमें लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डोनर एटम हो जैसे फास्फोरस हो गया सल्फर हो गया आर्सेनिक आयोडीन सेलेनियम ये जो हैं जिन मॉलिक्यूल्स या लेगेंट्स में आयंस में ये डोनर एटम होंगे उनको हम क्लास बी लेगेंट्स में रखेंगे तो हमने एक और चीज़ स्टडी करी थी इसमें कि जो क्लास ए के लेगेंट्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस किसके साथ बोन करने की ज़्यादा होगी क्लास ए मेटल आयंस के साथ ठीक है हम ऐसे लिख सकते हैं क्लास A, ए मेटल आयन जो हैं वो ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे उनकी प्रेफरेंस हो क्योंकि क्लास ए लीगेंस के साथ ही कॉम्प्लेक्स उनका ज़्यादा स्टेबल होता है ठीक है ऐसे ही क्लास बी मेटल आयंस क्लास बी लीगेंट्स के साथ इनका ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा अब देखो पियर्सन नाम का साइंटिस्ट आया उसने क्या किया उसने एक नई टर्म ऐड इंक्लूड कर दी जो मेटल आयंस हैं इनको हम क्या कह सकते हैं एसिड तो बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ठीक है तो इनको हमने कहा एसिड्स मेटल आयंस को एसिड्स और पियर्सन ने नई टर्म क्या ऐड करी हार्ड क्लास ए को उसने बोला हार्ड ठीक है क्लास बी चाहे मेटल हो या लिगेंड हो क्लास बी को कहा सॉफ्ट क्लास ए मेटल आयंस को हम क्या बोल सकते हैं हार्ड एसिड्स क्लास बी मेटल एंस को सॉफ्ट एसिड्स क्योंकि मेटल एन को हम एसिड बोल सकते हैं क्लास ए को क्या कहा हार्ड लेगेंस को हम बेसिस बोल सकते हैं तो ये हो गए हार्ड बेसिस एंड क्लास बी लेगेंस को सॉफ्ट बेसिस ठीक है क्या किया सिंपली देखो क्लास ए चाहे मेटल की हो या लीगेंट की हो उसको पियरसन ने हार्ड का नाम दे दिया ठीक है और जो क्लास बी है उसको सॉफ्ट चाहे मेटल आयन हो या लिगेंट हो अब हमें पता है मेटल मेटलाइन एसिड्स होते हैं और लिगेंट जो है उनको हम बेसिस में कंसीडर करते हैं तो ये आगे आप खुद से लिख सकते हो हार्ड एसिड एंड बेस ठीक है फर्दर अब देखो हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं एल्गली मेटल्स हैं क्लास ए मेटल आइंस या फिर हार्ड एसिड्स की अगर बात करते हैं तो हार्ड एसिड्स की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो आपसे पूछा जाए हार्ड एसिड्स क्या होते हैं सॉफ्ट एसिड्स क्या हो सकते हैं तो आप पहले तो ये लिखेंगे ठीक है इसके बाद इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप इस तरह से लिख सकते हैं कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ हार्ड एसिड्स इसमें क्या है देखो आप इनके साथ मैच करके हमें पता है कि क्लास ए मेटल आइन्स में ये मेटल आइन्स इंक्लूड होती हैं तो आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है जैसे कैटाइंस ऑफ स्मॉलर साइज एंड लाइटर एलिमेंट्स हाईली चार्ज होंगे क्योंकि हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले रहे हैं ठीक है और हाईली चार्ज होती हैं हाईली चार्ज मीन्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ठीक है जब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो इसका मतलब क्या होता है मेटल एन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है और उनको पोलराइज करना ईजी नहीं होता है डिफ़िकल्ट होते हैं उनको पोलराइजेबल पोलराइज करना और क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ले रहे हैं हम तो वेल एंड शेल में क्या होगा इनके पास लेसर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे ही हम सॉफ्ट एसिड्स को सॉफ्ट एसिड्स की करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं ठीक है जैसे सॉफ्ट एसिड्स में फर्स्ट है जैसे इसमें क्या है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएंगे कैटाइंस ऑफ स्मॉलर साइज था कैटाइंस ऑफ लार्ज साइज हैवियर एलिमेंट्स यहाँ पर क्या था हायर ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहाँ पर हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ले रहे हैं लोअर चार्ज होगा लोअर चार्ज होगा तो ये क्या है थोड़ा इनके कंपेरिजन में लूजली बाउंड होंगे इनके इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं होंगे और इनको इनके कंपैरिजन में पोलराइज करना इज़ी होगा ठीक है और क्योंकि इसमें हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ले रहे हैं तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे ज़्यादा होंगे हार्ड एसिड्स के कंपैरिजन में अब सेम ऐसे ही, ही हम लेगेंट्स को भी कैरेक्टराइज कर सकते हैं ठीक है क्लास ए लेगेंस जो हैं जिनको हमने हार्ड बेसिस कहा है सॉरी मैंने यहाँ पर एसिड लिख दिया है हैं की की बात हम क्या 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 सबसे पहले देखो donor atom क्या है 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 होना चाहिए ठीक और ये क्या है? आपको पता है fluorine जो है most atom है का और ये भी क्या है इसके बाद इनकी बारी आती है तो मीन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डोनर एटम होगा इनगिट्स में तो हम इनको करेक्टराइज़ कर सकते हैं हार्ड बेसिस में जो डोनर एटम होगा वो जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा और अगर सॉफ्ट एसिड की बात करें तो बिल्कुल इसका रिवर्स आता जाएगा ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलराइजेबिलिटी देखेंगे तो ये जो है इनकी पोलराइजेबिलिटी लो होती है हार्ड बेसिस की आपको पता है इनको पोलराइज करना इतना ईजी नहीं है अब आपको ये भी पता है कि ये जो खुद हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो इनको ऑक्सीडाइज करना बहुत मुश्किल होता है डिफ़िकल्ट टू ऑक्सीडाइज एंड इसका रिवर्स सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं इनकी पोलराइजेबिलिटी भी ज़्यादा होती है और इनके कंपैरिजन में ये इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाते हैं ठीक है फर्दर ये जो है इनका जो एम्पटी ऑर्बिटल्स होते हैं हार्ड बेसिस के वो हायर एनर्जी के होते हैं और सॉफ्ट एसिड्स के लोअर एनर्जी के होते हैं अब ये जो एम्पटी ऑर्बिटल्स की बात करें हम ये एक्चुअल में हम ल्यूमो की बात कर रहे हैं लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि क्लास ए मेटल आयस जो हैं क्लास ए लीगेंट्स के साथ जो है इनका प्रेफरेंशियल ऑर्डर होगा ये इनके साथ ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इनका ऑर्डर हम इस तरह से देख सकते हैं देखो नाइट्रोजन क्लास ए मेटल आयंस और हम कह सकते हैं हार्ड एसिड्स ठीक है हार्ड एसिड्स के साथ हार्ड बेसिस की या फिर डोनर एटम्स ऑफ हार्ड बेसिस की बात करें हम इनकी जो प्रेफरेंस है वो होगी नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा हमने यही स्टडी किया है कि इस तरह के डोनर एटम्स होंगे क्लास ए लीगेंट्स में या फिर हार्ड बेसिस में ठीक है तो इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है इनका प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है मीन्स इनमें जो है क्लास ए मेटलाइंस के साथ सबसे ज़्यादा प्रेफर कौन करेगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन डोनर एटम वाले लीगेंट्स ही प्रेफर करेंगे क्लास ए मेटल आयन के साथ बॉन्ड बॉन्ड बनाने की ठीक है ऐसे ही क्लास बी मेटल आयंस में ये ऑर्डर क्या है रिवर्स हो जाएगा हमने स्टडी किया है फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है ठीक है इसमें ये फर्दर डिक्रीज कर रहा है ऑक्सीजन का लीस्ट है ठीक है इसमें फ्लोरीन का लीस्ट है और फर्दर ये जो है इंक्रीज कर रहा है ऐसे ही अब देखो जैसे हमने अभी देखा हार्ड एसिड्स एंड सॉफ्ट एसिड्स में हमने क्लासिफाई किया है क्लास ए मेटलाइंस एंड क्लास बी मेटल लाइन्स को अब इसके साथ साथ कुछ मेटल लाइन्स ऐसे भी होती हैं जो जिनमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक है थीके? उनको हम बॉर्डर लाइन मेटलाइंस या फिर बॉर्डर लाइन एसिड्स बोल सकते हैं ठीक है थीके? जैसे मैं यहाँ पर टेबल अटैच कर रही हूँ आप इनके एग्जाम्पल्स देख सकते हो सेम ऐसे ही लीगें जो हैं उनको भी हमने कुछ एक ऐसे होते हैं उनको हमने बॉर्डर लाइन बेसिस में कंसिडर किया हुआ है ठीक है ये भी आप एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं जैसे हमने देखा कि क्लास ए लेगन्स जो हैं या फिर हार्ड बेसिस जो हैं वो हार्ड एसिड्स के साथ बोन बनाना प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स बनाना प्रेफर करते हैं तो पियरसन ने भी यही बात कही यही उसका प्रिंसिपल है कुछ भी नया नहीं है ऑलरेडी हम ये स्टडी कर रहे थे बट हम किस फॉर्म में स्टडी कर रहे थे कि जो क्लास ए मेटेलाइंस हैं वो जो हैं स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्लास ए लीगेंड्स के साथ पियरसन ने क्या किया सिर्फ हार्ड एंड सॉफ्ट टर्म जो है क्लास ए के लिए हार्ड क्लास बी के लिए सॉफ्ट टर्म यूज़ कर लिया तो उसका प्रिंसिपल क्या कहता है इट स्टेट्स दैट हार्ड एसिड्स प्रेफर टू बोर्न टू हार्ड बेसिस ठीक है एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड्स प्रेफर टू बोन टू सॉफ्ट बेसिस सिंपल है यही हम स्टडी कर रहे हैं फर्दर इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं बहुत सिंपल एप्लीकेशन हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसके प्रिंसिपल से पता लग रहा है हार्ड एसिड अगर हार्ड बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो स्टेबल होंगे ठीक है सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो स्टेबल होंगे तो इट मीन्स इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये क्या बताता है स्टेबिलि कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है कौन सा नहीं है इसके अकॉर्डिंग जैसे देखो मैंने अभी भी आपको एसिड बेस रिएक्शन दिखाई थी लेविस एसिड है लेविस बेस है कॉम्प्लेक्स बन गया ये स्टेबल कब होगा जब ये हार्ड एसिड हो अगर ये हार्ड एसिड है तो ये हार्ड बेस होना चाहिए अगर ये सॉफ्ट एसिड है तो ये सॉफ्ट बेस होना चाहिए तभी ये स्टेबल होगा अगर ये हार्ड एसिड है ये सॉफ्ट बेस है या फिर ये सॉफ्ट है ये हार्ड है ओपोजिट होंगे तो ये स्टेबल नहीं होगा ठीक है जैसे देखो हार्ड एसिड हार्ड बेस स्टेबल हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस सॉरी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस स्टेबल और अगर हार्ड सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट हार्ड होंगे तो अनस्टेबल होगा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे सिल्वर है सिल्वर आपको पता है क्या है हायर ट्रांजिशन मेटल्स में से आता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये क्या है एक सॉफ्ट एसिड है आयोडाइड हमने अभी स्टडी किया है ये क्या है सॉफ्ट बेस है तो इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ए जी आई टू वन नेगेटिव ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि इसका ये पार्ट जो है एसिड वाला पार्ट भी सॉफ्ट है ये भी सॉफ्ट है अब ऐसे ही अगर लिथियम प्लस देखें हम ये क्या है एल्कलाइन अर्थ मेट सॉरी एल्कली मेटल है ठीक है एल्क्मेटल आयन है तो इट मीन्स ये क्या है हार्ड एसिड होगा फ्लोराइड क्या है हार्ड बेस होगा और इससे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा अब देखो रिवर्स भी हम लेके देख लेते हैं ये क्या है सिल्वर अभी मैंने बताया सॉफ्ट एसिड है फ्लोराइड क्या हार्ड बेस है तो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा ठीक है इस तरह से ये स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बताता है फर्दर इसमें अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए आपको प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप इसमें प्रोडक्ट बता सकते हो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं क्या उनमें पेयरिंग सही है मींस हार्ड हार्ड के साथ ही अटैच्ड है या डिफरेंट अटैच्ड हैं जैसे यहाँ पे लिथियम है आयोडीन है ठीक है लिथियम क्या है हार्ड एसिड है आयोडीन क्या है सॉफ्ट एसिड है मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है और क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा हार्ड हार्ड के साथ कंबाइन करेगा सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इस तरह से लिथियम हार्ड है यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो हार्ड है तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेंगे ठीक है ऐसे ही फर्दर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार ऐसे रिएक्शन आ जा जाती हैं आपको प्रोडक्ट लिखना होता है या फिर आपको ये बताना होता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड में ठीक है तो ये जो है यहाँ पर देखो कॉपर है यहाँ पर तो तो यह भी कॉपर है बट डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है हमने स्टडी किया है जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो हार्ड एसिड होगा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो सॉफ्ट एसिड होगा तो ये भी क्या है ओपोजिट कॉम्बिनेशन हैं तो ये तो, चाहि तो, सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना लिए हैं सॉफ्ट ने सॉफ्ट के साथ हार्ड ने हार्ड के साथ तो इस तरह से ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे नेक्स्ट इसमें एप्लीकेशन हम ले सकते हैं प्रिडिक्शन ऑफ क्वारन इन कॉम्प्लेक्सेज ऑफ एम्बीडेंटेड लीगेंट्स इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एम्बीडेंडेट लीगेंट्स क्या होते हैं एम्बीडेंडेड मोनोडेंडेट लीगेंट्स ही होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होते हैं बट वो एक टाइम पे जो है एक ही डोनर एटम यूज करते हैं कॉर्डिनेशन के लिए ठीक है मोनोडेंटेड लीगेंट्स विच कैन कोर्डिनेट टू मेटल एन थ्रू मोर देन वन कोआर्डिनेटिंग और डोनर आइटम बट ओनली यहाँ पे आप बट ओनली यूज वन एट अ टाइम और बट ओनली कॉर्डिनेट ओनली थ्रू वन डोनर एटम ठीक है जैसे एस सी एन एस सी एन क्या होता है थायोसाइनेटो ये जो है कॉम्प्लेक्सेस में सल्फर के थ्रू जो है क्वाडिनेट कर सकता है और यही लीगन जो है नाइट्रोजन के थ्रू भी क्वाडिनेट कर सकता है एन सी एस नेगेटिव इस केस में हम इसको बोलते हैं आइसो थायोसाइनेटो तो अगर हम बात करें हार्ड एसिड्स की जैसे हमारे पास कोबाल्ट प्लस थ्री है तो क्योंकि हमने पढ़ा है हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसकी प्रेफरेंस क्या होगी इसके साथ ये कौन से कोऑर्डिनेटिंग एटम से अटैच होगा नाइट्रोजन क्या है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग एटम नाइट्रोजन है वो क्या होगा यहाँ पर ये हार्ड का बेस का काम कर हैं ठीक है थीके? जब सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट होगा तो ये हार्ड सॉरी सॉफ्ट बेस का काम करें ठीक है थीके? अब कोबाल्ट प्लस थ्री क्या है ये है हार्ड एसिड तो हार्ड एसिड किसके थ्रू कोऑर्डिनेट के साथ हार्ड एसिड के साथ ये लिगेंड जो है बिडेंटेट लिगेंड नाइट्रोजन के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं ठीक है इसके साथ ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और सॉफ्ट एसिड की अगर बात करें तो सॉफ्ट एसिड के साथ ये सल्फर के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा इस तरह से तभी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा ठीक है क्लियर है तो इस तरह से एच एस ए प्रिंसिपल जो है या फिर पियर्सन एच एस ए बी प्रिंसिपल हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो किस कोऑर्डिनेटिंग एटम के थ्रू कोऑर्डिनेट करेगा ये बता सकता है नेक्स्ट एप्लीकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस मीन्स हमें पता हो एसिड्स एंड बेसिस हैं उसमें से कौन सा हार्ड होगा कौन सा बेस होगा हमारे पास ये दो रिएक्टेंट हैं यहाँ पर ठीक है टू पेयर्स हैं बी ये क्या है अननोन बेस अननोन एसिड है मुझे नहीं पता ये हार्ड है या सॉफ्ट है ठीक है एच पॉजिटिव हमें पता है क्या है ये हार्ड एसिड है ठीक है हाइड्रोजन आयन हार्ड एसिड में आता है और ये क्या है मरकली जो है आपको पता है सॉफ्ट एसिड्स सॉफ्ट बेसिस सॉरी सॉफ्ट एसिड्स में आता है बेसिस में नहीं ये क्या है सॉफ्ट एसिड है अब ये आफ्टर रिएक्शन जो है हमने बना दिया सी एच थ्री एच जी बी प्लस एंड एच प्लस अब अगर हमें ये पता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है तो इट मीन्स ये जो है ये इससे स्टेबल बन रहा है ठीक है अगर ये स्टेबल है इफ दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल देन ये हमें पता है सॉफ्ट एसिड है तो इसका मतलब ये क्या होगा सॉफ्ट बेस होगा ठीक है तो हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं बी क्या है यहां पर सॉफ्ट बेस है अब अगर ऐसा होता कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो रही होती बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही होती तो इसका ऑपोजिट हो जाता जैसे देखो हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं सपोज यहां पर बी हमने ले लिया आर टू एस आर टू एस एस यहां पर डोनर एटम क्या है एस एस क्या है सॉफ्ट बेस होगा ठीक है तो यहां पर यह क्या हुआ सॉफ्ट बेस और ये हमें पता है क्या है हार्ड एसिड ये सॉफ्ट बेस और ये फर्दर सॉफ्ट एसिड है तो ये रिएक्शन जो है इस तरह से इस रिएक्शन में क्या बना यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हुई सॉफ्ट सॉफ्ट ये हार्ड इट मीन्स हम फिजिबिलिटी भी बता सकते हैं कि ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन हो रही हैं और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जैसे यहाँ पर बी जो है अगर हम अमोनिया ले रहे हैं एन एच थ्री जिसमें एन जो है डोनर एटम है जो कि एक हार्ड बेस है ठीक है इसको अगर हम इस तरह से इस तरह से लिख सकते हैं एन एच थ्री प्लस एच पॉजिटिव एन एच फोर अमोनियम आयन हो गया तो ये क्या है हार्ड एसिड सॉरी हार्ड एसिड हार्ड बेस ठीक है और ये क्या है सॉफ्ट एसिड अब इस रिएक्शन में क्या बन रहा है हमारे पास सी एच थ्री एच प्लस एन एच थ्री प्लस एच पॉजिटिव इट मीन्स क्या हुआ ये सॉफ्ट और ये क्या है हार्ड ये हार्ड अब आप बता सकते हो ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये स्टेबल नहीं बनेगा इसका मतलब इट मीन्स ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगी इसमें जो है ये ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि इसमें जो अमोनिया है वो भी हार्ड बेस है और ये जो है हार्ड एसिड था इट मीन्स ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड होगी ठीक है आप इस तरह से बता सकते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन है अकरेंस ऑफ ओर्स एंड मिनरल्स आपको पता है हमारी मेटल्स जो हैं इनके ओर्स और मिनरल्स मिलते हैं ये किस फॉर्म में मिलेंगे ये भी एच एस बी प्रिंसिपल बता सकता है जैसे हमारे पास कुछ मेटल आइन्स हैं जैसे मैग्नीशियम है कैल्शियम है मैग्नीज एलमीनियम ये क्या है हार्ड एसिड्स होते हैं हार्ड एसिड्स होंगे तो आपको पता है हार्ड एसिड्स किसके साथ प्रेफर करते हैं बॉन्ड बनाना हार्ड बेसिस के साथ और हार्ड बेसिस में हमारे पास जो है कौन से डोनर एटम्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया फ्लोरीन हो गया ऑक्सीजन हो गया ठीक है हेलाइड्स में जो है फ्लोराइड एंड क्लोराइड तो इसका मतलब क्या हुआ ये जो हार्ड एसिड्स हैं ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलेंगे ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हार्ड बेस है कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं या फिर हैलाइड्स ओनली फ्लोराइड एंड क्लोराइड ठीक है अब ऐसे ही अगर हम बात करें सॉफ्ट एसिड्स की जैसे कॉपर प्लस वन सिल्वर लेड मर्क प्लेडियम प्लस टू स्टेट में जो ये सॉफ्ट एसिड्स होंगे ये किस फॉर्म में मिलेंगे इनकी सल्फाइड्स की फॉर्म में क्योंकि सल्फाइड सल्फर जिसमें डोनर एटम होगा सल्फ़र क्या होता है सॉफ्ट बेस होता है अब बॉर्डर लाइन एसिड्स की अगर बात करें जैसे निकल है आयरन है जिंक है ये क्या है दोनों की फॉर्म में मिल सकते हैं ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी मिलते हैं कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी हेलाइड्स की फॉर्म में भी एंड सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिल सकते हैं ठीक है लास्ट इसकी एप्लीकेशन हम ले सकते हैं ये है पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट क्या होता है आपने स्टडी कर रखा है मोस्टली आप इन ऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं मोस्टली रिएक्शंस में रिडक्शन रिएक्शंस में मोस्टली निक एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है प्लैटिनम है प्लेडियम है तो ये क्या है हमारे पास कुछ मेटल आइंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट का, का काम कर सकते हैं ठीक है अब जैसे ये मेटल आइंस हैं हमारे पास आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये सॉफ्ट एसिड्स हैं ठीक है सॉफ्ट एसिड्स हैं साइड गैस आपको पता है एनवायरमेंट में प्रेजेंट है ठीक है अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जैसे ओलिफिन हैं अरिनस हैं डाइन सेल्किन्स हैं ये क्या होती हैं ये सॉफ्ट बेसिस होते हैं तो ये इनके साथ इजीली इंट्रैक्ट कर जाते हैं ये जो सॉफ्ट बेसिस हैं ये मेटल आइन के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्ट्रोंगली एड्जॉर्ब जिसकी वजह से क्या होता है अब कैटलिस्ट होता है उसके ऊपर उसकी कोई एक्टिव साइड तो होती है ठीक है जिस मैकेनिज्म के थ्रू वो जो एक्ट करते हैं तो ये जो है स्ट्रोंगली एब्जॉर्ब हो जाती है उनके सरफेस पे और उनके जो एक्टिव साइड्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं सॉफ्ट बेसिस इस तरह से मेटल कैटलिस्ट की पॉइजनिंग हो जाती है ठीक है ये थी एप्लीकेशंस ऑफ पियर्सन एच एस बी प्रिंसिपल अब नेक्स्ट है इसका थ्रेटिकल बेसिस थ्रेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस सॉफ्टनेस एच एस ए प्रिंसि भी इंट्रेक्शन हो रहे हैं इनका बेसिस क्या है इनमें किस तरह के इंटरेक्शनस हो रहे हैं तो फर्स्ट इसका थ्रेटिकल बेसिस है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रेक्शन जो है सिर्फ हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस इंट्रेक्शन को एक्सप्लेन करता है किस तरह से हार्ड एसिड्स में हम कौन से मेटल आइंस को कंसिडर कर रहे हैं एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है जैसे लिथियम प्लस है सोडियम प्लस है तो इनका साइज़ क्या होता है इनका साइज स्मॉल होता है एंड दूसरी तरफ हार्ड बेसिस जो हैं जैसे ऑक्साइड आयन है फ्लोराइड है इनका साइज भी स्मॉल होता है तो हार्ड एसिड इन हार्ड बेसिस में क्या होता है क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो इंटर एटोमिक डिस्टेंस जो है वो आयन की इंटर इंटर आयनिक डिस्टेंस बोल सकते हैं एक्चुअल में हम वो जो है कम हो जाती है जिसकी वजह से इनमें जो है हाई अट्रैक्शन होती है और उसकी वजह से इनके जो इंट्रैक्शन है वो प्योरली आयनिक इंट्रैक्शन होती है या फिर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होती है जैसे देखो स्मॉलर द आयन लेसर द इंटर आयनिक डिस्टेंस ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन एंड कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल नेक्स्ट जो है वो है पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉफ्ट एसिड्स एंड सॉफ्ट बेस इंट्रेक्शन को सिल्वर मरकल हैं इनका साइज क्या होता है लार्ज साइज है. होते हैं लार्ज साइज के किटाइन होते हैं और अगर हम हार्ड एसिड से कंपेयर करें तो ये क्या है ज़्यादा कोवेलेंट होते हैं नेचर में और इनकी जो पोलराइजिंग पावर है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि सॉफ्ट एसिड्स क्या होते हैं जिनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं मीन्स हायर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है ड्यू टू विच ये क्या कर सकते हैं सॉफ्ट बेसिस को जो कि हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी स्टडी किया ईजिली पोलराइजेबल होते हैं और हमारे यहाँ पर सॉफ्ट एसिड्स क्या हैं इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है तो ये इनको ईजीली पोलराइज कर सकते हैं और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा आपने फर्स्ट ईयर में भी स्टडी किया था फेजेंस रूल पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस इंट्रेक्शन जो हैं वो कैसी होंगी हमारी कोवेलेंट मीन्स कोवेलेंट टाइप की इंट्रेक्शन होती है इनमें ठीक है थर्ड है बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन अब सॉफ्ट एसिड जैसे ट्रांजिशन मेटल्स लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं मैंने अभी भी बार बार हम बात कर रहे हैं इस बारे में तो उनमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लूजली हेल्ड होते हैं ईजिली डोनेट कर सकते हैं उनको हम लीगेंट्स को कैसे लीगेंट्स जो पाई पायासेप्टर लीगेंट्स होते हैं जैसे हमने ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री में मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस भी स्टडी किए हैं मेटल कार्बोनिल्स भी स्टडी किए हैं जिसमें क्या है लीगेंट तो डोनेट करता ही करता है इलेक्ट्रॉन्स मेटल को बैक में जो मेटल है वो भी लीगेंट को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डोनेट करती है और पाई बोंडि या बैक बॉन्डिंग उसमें बनाती है तो पाई बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि ट्रांजिशन मेटल लो ऑक्सीडेशन में जो होती हैं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी लीगेंट से इस टाइप के लीगेंट से जो पाई एक्सेप्टर अक्प्टीगेंट्स भी हो सकते हैं तो उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हाई हो जाती है और वो रिवर्स में डोनेट कर देती है लीगेंट को और जैसे ये हैं सॉफ्ट बेसिस ये क्या है हमारे ऐसे लिगेंड सॉफ्ट बेसिस होते हैं और इनको हम बोल सकते हैं सॉफ्ट बेसिस को इस तरह के सॉफ्ट बेसिस को मोस्ट पाई बोन्ड एक्सेप्टर्स और मोस्टली सॉफ्ट एसिड जो हैं वो पाई बोन्ड डोनर्स होते हैं ठीक है नेक्स्ट बेसिस है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ठीक है ये क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी और जितनी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस होगी तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होंगे उनको हम हार्ड बोलेंगे ठीक है जैसे लिथियम है सोडियम है अब हमें पता है लिथियम एक्चुअल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है ये हम नेक्स्ट जो है अलग से टॉपिक है इसी चैप्टर में उसमें डिस्क्राइब करेंगे इसके साथ जैसे हम और एग्जाम्पल ले सकते जैसे फ्लोराइड है ठीक है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो ये हार्ड बेस में आता है और इसी तरह से लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाले जो हैं ये आते हैं सॉफ्ट में सॉफ्ट एसिड या सॉफ्ट बेसिस जैसे सल्फर है फॉसफोरस है आज हमने डिस्कस किया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं पियर्सन्स प्रिंसिपल या फिर पियर्सन्स एच एस बी प्रिंसिपल क्या होता है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं और उसकी थ्रेटिकल बेसिस क्या हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसकी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस के साथ साथ दो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके सिलेबस में अक्सर एग्जाम में आ भी जाते हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे थैंक यू